दोस्तों मतलब ही लोगों से भरी हमारी इस दुनिया में आज कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही कोई व्यक्ति इंसानियत के नाते किसी के काम आता है। लेकिन इसी मतलब ही दुनिया में एक बहुत ही छोटा तबका ऐसा भी है जो इंसानियत को शर्मसार होने से बचाता है। ये लोग अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखते हुए बिना किसी मतलब या जान पहचान के भी मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता कर देते हैं। और ऐसे ही आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ठीक इसी प्रकार की कुछ लोगों की, जो अपनी दरिया दिली के कारण दुनिया भर में फेमस हो गए और आज पूरी दुनिया उन्हें इंसानियत का मसीहा के रूप में जानती है। लैला एंडरसन नाम की इस बच्ची को कैंसर था, और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उसे एक ऐसे बोन मैरो डोनर की जरूरत थी जिसका बोन मैरो बच्ची के बोन मैरो से मैच करता हो। खूब सर्च करने के बाद कैंटोन नाम के एक अनजान व्यक्ति के पास एक ऐसा बोन मैरो मिला जो लैला से मैच खा रहा था। कैंटोन ने जब बच्चे का दर्द सुना तो उसे पल भर के लिए भी हिचकिचाहट नहीं हुई और उसने तुरंत अपना बोन मैरो डोनेट करने के लिए हामी भर दी। बता दें कि बोन मैरो डोनेट करने के बाद डोनर को कई साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी कैंटोन ने इंसानियत के नाते बच्चे के लिए अपना बोन मैरो डोनेट किया और किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल डिमांड नहीं रखी। इलाज पूरी तरह से सक्सेस होने के बाद जब लैला पहली बार अनजान व्यक्ति कैंटोन से मिली तो उसका रिएक्शन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक ट्रक ड्राइवर ने देखा कि उसके सामने आ रही कार में बैठा व्यक्ति ड्राइव करते करते बेहोश हो गया। ऐसे में उसने अपना ट्रक रोका और भागकर चलती कार के अंदर घुस गया और कार को साइड में लगाया। हालांकि ऐसा करने पर ट्रक ड्राइवर की खुद के साथ भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उसने अपने सोचे बिना ही कार ड्राइवर की जान बचाई। बेहोश ड्राइवर की ये कार यदि नहीं रुकती और रोड के बीच में चली जाती तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था और कितनी जानें जा सकती थी। यदि हम सभी इंसान एकजुट हो जाए और किसी काम को करने में लग जाए तो उस काम को सफल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे कि यहाँ कई लोगों ने मिलकर आग में फंसे एक व्यक्ति को किसी फायर फाइटर या अन्य मशीन की मदद लिए बिना ही बचा लिया। दरअसल यहाँ एक बिल्डिंग में आग लगी और बिल्डिंग में एक व्यक्ति फंसा हुआ था। बिल्डिंग के अंदर से बाहर आने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। कोई रास्ता खुला था तो सिर्फ ये एक खिड़की थी, लेकिन इस खिड़की से सीधा कूद पाना संभव नहीं था। ऐसे में नीचे रोड पर चल रहे कुछ लोगों ने ऊपर फंसे व्यक्ति को देखा और तुरंत उसे बचाने की कोशिश में जुट गए। सभी लोगों ने मिलकर एक अनजान व्यक्ति को बचाने के लिए नीचे खड़ी कार को उठाकर साइड में किया और एक बड़ा कपड़ा पकड़कर उस व्यक्ति को जंप करने के लिए कहा। ठीक इसी प्रकार का वाकया ऑस्ट्रेलिया के पर्थ नामक रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला। ये व्यक्ति ट्रैक और ट्रेन के बीच फंसा अपना पैर निकालने में पूरी तरह से असमर्थ था। ऐसे में पास में खड़े सैकड़ों लोगों ने मिलकर पूरी ट्रेन को ही उठा डाला और व्यक्ति का पैर निकालने में उसकी हेल्प की। इंसानों को इंसान बनाने वाला सबसे बड़ा गुण ये है कि वे बड़े ही दयालु होते हैं, और ठीक इसी प्रकार का दयालुपन इस मोहतरमा ने दिखाया। सर्दियों के समय में ये लड़की रेस्टोरेंट से बाहर आई और बाहर आने पर उसने देखा कि रोड पर एक कुत्ता सोया है और ये कुत्ता जबरदस्त ठंड के मारे कांप रहा था। ये देखकर लड़की का मन भराया और उसने अपने स्कार्फ से कुत्ते को ढक दिया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जापान में किसी जगह पर ट्रैफिक से भरी रोड पर एक विकलांग बच्ची रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक पैर नए होने के चलते बच्ची रोड क्रॉस करने से पहले ही सिग्नल रेड हो जाता है। इस बच्ची की नाजुक हालत देखते हुए कई लोग इसके पास से भी निकले, लेकिन किसी ने भी बच्ची की हेल्प करके उसे रोड पार करवाने का मन नहीं बनाया और सीधा उसका मुंह देखकर आगे निकल गए। लेकिन जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि हमारी इस दुनिया में अभी भी एक ऐसा तबका है जिसके अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है। बच्ची के पीछे से एक औरत आती है और कार्स को थोड़ी देर रुकने का इशारा करती है। इसके बाद इस औरत ने बच्ची को अपनी पीठ पर उठाया और रोड पार करवाई। ऐसे जिंदा दिल इंसान को देखकर गुस्से में बैठे व्यक्ति का भी मन शांत हो जाए। ठीक इसी प्रकार से बैंकॉक में एक बूढ़ा व्यक्ति भी भारी ट्रैफिक के कारण रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक बाइक राइडर ने उसका दर्द समझा और सभी कार्स के आगे बाइक लगाकर बूढ़े व्यक्ति को रोड पार करवाई। कजाकिस्तान में एक कुत्ता नदी के बीचों बीच फंस गया। कुत्ता पानी में मुश्किल से पैर जमाए हुए बैठा था, लेकिन फ्लो ज्यादा होने की वजह से चलने में असमर्थ था। कुत्ते को मुसीबत में देखकर यह व्यक्ति तुरंत पानी में कूद गया
और साइड में ले आया। ये देखकर ऊपर खड़े तीन और लोग कुत्ते को बचाने के लिए आगे बढ़े और एक ह्यूमन चेन बनाई, लेकिन ये चेन अभी भी छोटी थी। कुत्ते के साथ खड़े व्यक्ति तक ये चेन नहीं पहुंच पाई, लेकिन तभी पास में ही घूम रहा एक व्यक्ति वहां आता है और चेन में ऐड हो जाता है। अब ये ह्यूमन चेन इतनी लंबी हो गई थी कि वे लोग नीचे कुत्ते के साथ खड़े व्यक्ति तक पहुंच जाए। ऊपर रेलिंग के पास खड़े व्यक्ति ने भी चेन को ऊपर आने में काफी ज्यादा हेल्प की। इन लोगों ने मिलकर एक कुत्ते के लिए जो किया वो वास्तव में इंसानियत के जिंदा होने का जीता जागता सबूत था। ठीक इसी प्रकार से यहाँ एक सांप की चपेट में आए पपी को बचाया गया। दरअसल यहाँ एक सांप ने अपनी कुंडली में पपी को जकड़ रखा था और दम घोटकर मारने की फिराक में था, लेकिन पास से निकल रहे कुछ लोगों ने पपी को देखा और तुरंत उसे बचाने में जुट गए। अपनी जान पर खेलकर काफी ज्यादा मशक्कत के बाद इन लोगों ने इस पपी को बचा लिया। हार कर भी जीतना किसे कहते हैं, इसका जीता जागता एग्जाम्पल इस मैराथन रेस के दौरान देखा गया। रेस के दौरान एक रनर फिनिश लाइन के 400 मीटर की दूरी पर हिम्मत हार जाता है और बीच में ही रुकने लगता है, लेकिन उसके पीछे भाग रहे रनर ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ में दौड़ने लगा। हालांकि ऐसा करने पर इस व्यक्ति को खुद को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका कहना था कि ये हार उस रनर का आत्मविश्वास तोड़ सकती थी, जिसकी वजह से वह शायद कभी भी मैराथन में दौड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, और इसीलिए मैंने खुद को हारते हुए भी अपने साथ दौड़ रहे रनर को फिनिश लाइन तक पहुंचाया। हारने के बावजूद भी इस रनर के अंदर मौजूद इंसानियत ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। ठीक इसी प्रकार की घटना एक और मैराथन के दौरान भी देखी गई। इस रेस के दौरान फर्स्ट रनर फिनिश लाइन से महज कुछ ही फीट की दूरी पर निडाल हो जाता है, लेकिन पीछे से आ रहे सेकंड रनर ने मौका पाकर फर्स्ट आने की बजाय उसे अपने साथ उठाया और रेस पार करवाई। कार में बैठे ऑफिसर ने देखा कि दो बतख और उनके बच्चे रोड पार करने के लिए जा रहे हैं। इन्हें देखकर उसे लगा कि रोड पर ट्रैफिक ज्यादा है और इतने ज्यादा ट्रैफिक के चलते ये बतखें अपने बच्चों सहित कुचल दी जाएगी। ऐसे में ऑफिसर ने अपनी कार से रोड को ब्लॉक कर दिया और बतख के परिवार को रोड क्रॉस करवाई। वहीं पुलिस ने जब रोड को ब्लॉक किया तो उसे देखकर दूसरी साइड के लोगों ने भी रोड को ब्लॉक कर दिया। बतख के एक परिवार को बचाने के लिए इन लोगों ने जो किया वो वाकई काबिले तारीफ था। प्राकृतिक आपदा के समय आमतौर पर हर किसी के दिमाग में अपने और अपने परिवार को बचाकर भागने के दिमाग में ही आती हैं। ऐसे समय में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने और अपने परिवार के अलावा मुसीबत में फंसे जानवरों के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन यहाँ इन जनाब ने काफी दरियादिली दिखाई। बाढ़ के दौरान सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, वहीं इन जनाब ने अपने साथ कुछ पपीज को भी बचाया। यहाँ पर यदि ये व्यक्ति नहीं होता तो शायद इन पपीज की जान नहीं बच पाती। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के समय आपने इंसानों में जानवरों के प्रति प्रेम का आंखें नम कर देने वाला अनोखा नजारा देखा होगा। उसी वाइल्ड फायर के दौरान इस महिला को एक कोआला को आग से बचाते हुए देखा गया। कोआला कई जगह से जल चुका था, बर्न्स पर थोड़ी राहत मिली। इसके लिए महिला ने उसके घावों पर पानी डालकर इन्हें साफ भी किया और फिर एक साफ कपड़े में लपेट कर इसे इलाज के लिए अपने साथ ले गई। इस हादसे के समय से और भी हजारों लोग थे जिन्होंने मासूम जानवरों के लिए दिन रात एक करके निष्काम भाव से काम किया और कई जानवरों की जान बचाई। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।